के सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, लोकप्रिय विधायक और पिपराई से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, उत्तर प्रदेश सरकार में बीज प्रमाणीकरण विभाग के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी जी, अरुण शुक्ला जी, लालजी गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदिया वाहिनी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में, जगह कम पड़ गई है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं। इक्कीस दिन के बाद आज गोरखपुर आ रहा हूँ। प्रचार करते थे पश्चिम में, मध्य में, बुंदेलखंड में, अवध क्षेत्र में, आज मैं सुबह अम्बेडकर नगर, फिर बलिया, कुशीनगर होते हुए फिर अब मैं यहाँ पर आया हूँ विधानसभा क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपार आंधी चल रही है, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर तबके का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि जिस सरकार ने दंगों से मुक्ति दी, जिस सरकार ने गुंडागर्दी से मुक्ति दी, जिस सरकार ने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और जिस सरकार ने हर गरीब के घर में दो जून की रोटी देने की व्यवस्था की है, उसी को फिर चुनना है। सरकार इसी के लिए आपके पास आई है। मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले यहां पर बिजली आती थी क्या? जोर से बोलना, देखो ये सब मेरा ही क्षेत्र है, मैं तो यहाँ पे बराबर आता रहा हूँ। 2017 के पहले बिजली आती थी? आज तो आती होगी ना, पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है, यही फर्क है ना। दूसरा, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सबने ले लिया, बहुत सुंदर। ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, फ्री में लगा है ना। देखो सपा बसपा की सरकार होती है, इसका भी पैसा लोग ले लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में हर महीने दो बार राशन मिला है कि नहीं मिला? दाल